जी, हमको फालतू डिस्टर्ब मत किया कीजिए रात के 12 बजे। सॉरी बोल रहे दिन हैं भर सर। यही फोन, कोई वोटर है तो क्या वो भैया अगले बार 4 को वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। अगर आप सीतामढ़ी लोकसभा से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप सीतामढ़ी लोकसभा के रहने वाले हैं, अगर आप सीतामढ़ी लोकसभा के जनता है, वोटर है, तो आप अपने सांसद से कोई भी उम्मीद नहीं रखिएगा। जी हाँ, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, आगे जो आप सुनेंगे तो आपकी दिमागे हिल जाएगी, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाँ वाकई में मैंने किसको चुना, किसको वोट किया। जी, अगर आप सीतामढ़ी के जनता है, वोटर है, आप सीतामढ़ी के वोटर है, जनता है, अगर आपको किसी तरह की कष्ट है, दुख है, तकलीफ में है, जो सीतामढ़ी के नव निर्वाचित सांसद जीते हैं उनको आप भूल के भी फोन नहीं घुमाइएगा। अगर फोन घुमा दिए तो जो आगे वीडियो में आप सुनने वाले हैं वैसा आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। मैं रोशन, आप देख रहे हैं रॉनी टाइम्स। रॉनी टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसे ही देवेश चंद ठाकुर जी लोकसभा चुनाव जीते, सांसद बने, तो एक कार्यक्रम निकला, धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम के तहत परिहार प्रखंड में आए थे। वहां पे जेडीयू के कार्यालय ऑफिस में आके उन्होंने बोला मैं यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। फिर ऐसे ही सीतामढ़ी में उन्होंने बयान दिया मैं मुस्लिम यादव और कुशवाहा का काम नहीं करूंगा। वहां के वोटर था, जब मैंने सर्वे किया लोगों को लगा कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस सांसद को चुना, इस सांसद को वोट दिया। जी, जैसे मार्केट में जाते थे तो जो सब्जी वगैरह बेचते थे बोले मैं तो नीतीश कुमार के नाम पे इसको वोट दिया, मैं तो मोदी के नाम पे वोट दिया। लेकिन ये सबको मतलब, और तभी से लोगों को लगने लगा कि ये कुछ नहीं करने वाला है। ये भी अब एक और इनका मामला आ गया है। देखिए, अगर कोई इनका ही कार्यकर्ता जैसे इनको फोन करता है, फोन पे जरूरी रहता है, फोन करता है तो कहता है यार 12 बजे रात में क्या जरूरत है, ये है, ऐसी सारा दिन फोन आता रहता है। ये आप सांसद है, सांसद महोदय जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप सांसद नहीं है, आप सांसद है, आप सांसद है, तो कोई भी आपके क्षेत्र के जनता को जरूरत होगी तो आपको फोन करेगा। जब फोन करता है तो आपको क्यों तकलीफ होती है, आप ये पूरा ऑडियो सुनिए, आपकी दिमागे हिल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी कि रियली यार अभी तक पूरे इंडिया में ऐसे सांसद कभी नहीं, किसी को नहीं देखा होगा। इस सांसद की आप भाषा सुनिए, इसकी आप बातें सुनिए। हालांकि ये ऑडियो जो मैं दिखाने वाला हूं वो रॉनी टाइम्स पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये ऑडियो वायरल हो रहा है तेजी से, तो आप इस ऑडियो को सुनिए, आपकी दिमागे हिल जाएगी। आप सीतामढ़ी के वोटर है, आप सीतामढ़ी के जनता है, बहुत तेजी से ये ऑडियो वायरल हो रहा था, तो मैं सोचा आप लोगों को ये जानकारी दे दिया जाए कि आखिर ये यार इस तरह की बातें क्यों हो रही है, ऐसे क्यों ये सांसद जी कर रहे हैं, क्या आखिर इनका गुस्सा क्या है, खुंदस क्या है। आप पहले ऑडियो सुनिए इनका। हेलो। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, हम गोविंद पन्ना से बात कर रहे थे सर। हाँ गुड्डू जी नाम है सर। हाँ सर, यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गया। कुछ लफड़ा हो गया? हेलो। हाँ कौन सी की लफड़ा हो गया? सुबोध झा। हाँ अपने के पास में कॉल भी कर रहा हूँ ना, हम प्रमुख साहब के आदमी थी। कौन प्रमुख साहब? देविंदर सर। अच्छा सर, मतलब सुबोध झा बहुत अन्याय कर गाँव में। कौन सुबोध झा? वकील साहब। हमने चिंता कौन है सुबोध झा सर, अपने के पास में कॉल भी अभी कर रहा हूँ ना। हमको तो नहीं बात हुई, कौन चीज के लिए? ये अभी मारपीट कर रहा हूँ ना। हमको नहीं फोन किए हैं, कौन कहा आपको? अभी 112 नंबर प्रशासन आ रहा थी ना, हम पत्रकार भी थी सर। हमको नहीं फोन किया कोई सुबोध झा। अच्छा नहीं किए थे सर। हम बम्बई में हैं, हमारा दिल्ली अच्छी चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, मालूम है। हम रात में आए हैं दूसरे काम से, यहाँ सुबह हम लौट जाएंगे, हमको नहीं फोन किया कोई। जी, एक ब्राह्मण के नाते हम अपने के रिक्वेस्ट करे छी कि एगो ब्राह्मण के उधार करियो। बाबू एक बात जान लीजिए, रात में 12 बजे फोन करने का, कोई कोई इमरजेंसी रहता है, आग लगता है, फायर लगता है, पुलिस आता है, ये सब हमको जरूर फोन कीजिए। जी प्रशासन अभी आया। ब्राह्मण तामन हम सब बहुत नहीं जानते हैं। जी जी जी, हमको फालतू डिस्टर्ब मत किया कीजिए रात के 12 बजे। दिन भर यही फोन आता है, दिन भर 24 घंटा इतना।
रात दिन भर यही फोन करेगा, हमरा ई तंग कर रहल है, हमरा ऊ मार रहल है, हमरा ई बलात्कार कर गेल हमरा घर के, ओकरा उठा के ले गेल, एकरा उठा के ले, इतने फोने आता है जी। ना यही बिहार, तो सॉरी बोले जी सर, हम पहले पहले बार फोन कर लिए अपने के। नहीं कीजिए ना, आप होशियार आदमी दिखते हैं हमको, रात में 12 बजे फोन करने का भी जगह है, समय है इसका। अपने के वोटर थी सर, और कोई वोटर है तो क्या वो भैया अगले बार 4 को वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। नहीं सर, मेहरबानी कीजिएगा, 4 वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं देंगे। अब आपका वोट का मतलब ये नहीं है कि रात में आप हमको 12 बजे फोन कीजिए बिना मतलब का, कोई जरूरी काम है तो जरूर हम हाजिर हैं, 24 घंटा हाजिर हैं। तो आपने सुना ये ऑडियो, हालांकि मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इस ऑडियो का रोनी टाइम्स पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ऐसा वाकई में सांसद महोदय ने किया है तो क्या सही किया या गलत किया है, क्या ऐसी भाषा एक सीतामढ़ी सांसद द्वारा शोभा देता है या नहीं देता है, सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए रोनी टाइम्स।